रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि कोरोना वायरस है क्या। कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी दिक्कतें सामने आती हैं। अभी तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई टीका नहीं बनाया गया है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान से शुरू हुआ। WHO के मुताबिक इस बीमारी के कुछ आम लक्षण हैं बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है। इसी दिक्कत को मद्देनजर रखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए लोगों से कुछ सावधानियां बरतने को कहा है, जैसे किसी भी प्रकार का पेय पदार्थ, आइसक्रीम, कुल्फी आदि खाने से बचें, किसी भी प्रकार का डब्बा बंद भोजन, पुराना बर्फ का गोला, सील बंद दूध तथा दूध से बनी हुई मिठाइयां जो कि 48 घंटे से पहले की बनी हो उसे नहीं खाएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने हाथों को साबुन या गर्म पानी से धोएं। खांसते छींकते वक्त नाक और मुंह को किसी टिश्यू पेपर या रुमाल से ढकें, क्योंकि ये वायरस छींक से भी फैलता है। साथ ही अपनी प्यास को ना रोकें, अपने गले को नम रखें, एक साथ ज्यादा पानी ना पिएं क्योंकि यह किसी काम का नहीं है, बल्कि अपने गले को लगातार नम रखें थोड़ा थोड़ा पानी पीकर, क्योंकि एक बार अगर आपका गला सूख गया तो वायरस को आपके शरीर में पहुंचने के लिए सिर्फ 10 मिनट का समय चाहिए होगा। जिन व्यक्तियों में कोल्ड और फ्लू के लक्षण हों उनसे दूरी बनाकर रखें, साथ ही अंडे और मांस के सेवन से बचें, जंगली जानवरों के संपर्क में आने से भी सावधानी बरतें। कोरोना वायरस दिसंबर में सबसे पहले चीन में पकड़ में आया था। इसके दूसरे देशों में पहुंच जाने की आशंका भी जताई जा रही है। दूसरे देशों में यह दक्षिण कोरिया, अमेरिका, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, नेपाल जैसे देशों में अभी तक पहुंच चुका है। लगभग 18 साल पहले सार्स वायरस से भी ऐसा ही खतरा बना था। 2002 और 3 में सार्स की वजह से पूरी दुनिया में 700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी।